आज हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे के अवसर पर। अन्नपूर्णा फाइनेंस और पीपल्स ग्रुप के उद्यम से इतने वुमेन एंटरप्रेन्योर से उनका क्या समस्याएं हैं और कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं, उस चीज़ पर अभी बार चर्चा हो रही है। और करीब 200-250 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आए जिनके साथ में सही चर्चा कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो हम तो फाइनेंस कंपनी है तो हम फाइनेंस को देते ही हैं वुमेन को, फाइनेंस के अलावा भी वुमेन के क्या क्या और चैलेंजेस हैं जो जिसका हम सोल्यूशन ला सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है या डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है और किस तरह से इकोसिस्टम बनाया जा सके जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आ सके, उस पर बात। हमारा इंडिया में करीब 600 ब्रांच है और करीब 17 लाख लोग हैं। हम लोगों ने ये प्रोग्राम जितनी भी महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो बिजनेस के बारे में सोचती हैं या जो बिजनेस अभी कर रही हैं, जो लीडरशिप प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। और हमारे यहाँ पे जितनी भी औरतें आई हैं, यहाँ पे जो गेस्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उन सब ने बहुत स्ट्रगल करके और बहुत मेहनत से काफ़ी बैरियर्स क्रॉस करके आज जो एक ऐसे मुकाम पर पहुँची है जहाँ वो खुद का ही बिजनेस चला रही है और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए वो यहाँ पे आज हमें आके बोल रहे हैं। तो आई थिंक हमारा प्रोग्राम एक ऐसे उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस अपनी मोटिवेशन शेयर कर सकती है बाकी औरतों के साथ जो आगे जाके अपना बिजनेस। आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और एफिसर का एक बहुत ही बड़ा मिशन है, वो चाहते हैं कि औरतों को किस तरीके से हम आगे ला सकें, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे बढ़ा सकें, जिस वजह से आज का प्रोग्राम हमने सिर्फ औरतों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ उनकी लीडरशिप स्किल्स को और ऊपर बढ़ाने को किस तरीके से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इस वजह से हम एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं जहां हम अपने औरतों को जितने फीमेल एम्प्लॉयज हैं हमारे उनको और भी उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उनको और लीडरशिप के लिए पुश कर सकते हैं, उनको और मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने घर को अपने ऑफिस को बैलेंस कर सकती है उसके ऊपर किया है। हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से पैनलिस्ट बुलाए हैं ताकि वो हमें बता सकें कि उनके चैलेंजेस क्या रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जिस जिस पोजीशंस पे वो लोग आज काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस और हर्डल्स को पार करके वो आज आगे बढ़े हैं।